भगवान की जय। कलियुगाचार पीर की जय। जगदी जगदी जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए कलियुगाचार पीर के मंदिर झंडू झंडूता कलियुगा मारी में कलियुगा के पावन नवरात्रों में कलियुगा की गाथा का वर्णन करते हुए भक्तजनों बहुत विकट परिस्थितियां हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि जहां जहां हम जाएंगे कोरोना महामारी के जो नियम हैं तय किए हैं सरकार ने, उनके बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे और नियमों का पालन करते हुए कलियुगा चार पीर की गाथा का घर घर जा करके इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। बोली कलियुगा चार पीर की निवेदन यही है कि मास्क अवश्य लगाएं जहां भी जाएं, अपना मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखें। अक्सर देखने में आता है कि सामाजिक हमारे कार्यक्रम होते हैं तो फिर वहाँ लोग भूल जाते हैं नियमों को, क्योंकि कोरोना महामारी से भी बचना है, अपने आप को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है। बोलिए कलियुगा चार पीर की। वदनम सर्वदृग्विभु करो मैं पातु स्वात्मा पाद और अक्षर जिन में ओम सर्वांग सर्वदा परम ब्रह्मा सच्चिदानंद भगवान की। या कुदेव तुषाहार धवलय सुभ्र वस्त्र मृता या पीण वरम दंड मंडित करिया श्वेत पद्मासन या ब्रह्मा चित शंकर प्रवृति वीर देव वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निषेत जाड्यपा जगदी जगदी ज्योतों वाली माता तेरी सदा ही जय। Thank you.
बोले गणेश भगवान की कुकर जहर पर सभी धर्मों में सर्वमान्य, हिंदुओं ने भी पूजा, मुसलमानों ने, सिखों ने, जहाँ कहीं भी इसकी मन्नत हुई माला माल हो गए भक्तजन। बहुत ही ये दयालु देवगण इस धरा पर हुए गुरु गोरखनाथ के बरदाई और रानी पाछल के बेटे। गुगजा हर पीर को जिस भी भक्तजन ने पूजा भजनों उसकी मन्नत को पूरा किया। कलयुग में सच्चे साक्षात देवगण ये हुए पूरी गुगा जहर पीर की। आइए, गुगा जहर पीर का अवतरण कैसे हुआ ये बहुत लंबी गाथा है। गुरु गोरखनाथ ने वर के रूप में रानी बाछल को गोकुल ढेरी के रूप में फल दिया था और रानी बाछल ने बड़ी श्रद्धा लगन से भाव से घोल कटोरी करके उसको पिया था और आशा बंद हो गई थी भगवान की कृपा से। तो फिर महीने गिरने लग दिए थे। फिर भाई I'm not afraid of the dark.
दस महीने रानी पाछल पूरे कर लेती भगजनों, और मन में चिंता हो जाती कि दसवें महीने सगली जहान जन्म ले लेता, लेकिन मेरे गर्भ दे विचों बालक बालक जन्म नहीं ले रहा। आखिर कारण क्या है? बड़ी भारी चिंता हो जाती है। और बीतते बीतते पल महीना ग्यारहवां भी बीत जाता है और रानी बहुत व्यथित हो जाती है कि ना जाने इस योगी ने कौन सा फल कौन सी विभूति मेरे को दी है, पता नहीं पतिकरण कर दिया है या कोई। तो फिर रानी बाछल का जब बारहवां महीना शुरू होता है तो फिर हाथ में जहर की पुड़िया ले लेती है कि मैंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर देना। लेकिन गुगा जहर फिर एक ऐसे चमत्कारी देवगण हुए कि जब भी रानी बाछल को संकट की घड़ियां आई तो गर्भ में से ही सनंदर देकर के रानी की समस्या का हल करते हैं। जहर फिर सनंदर में कहते हैं कि माता तेने चिंतित नहीं होना, दुखी नहीं होना। इस समय धरती पर सूतक है और जैसे ही सूतक उठेगा मैं जन्म लूंगा, लेकिन जन्म लेना पे मारो दे सर तू इतनी माइके ही भाई जे इतनी मेरा जन्म होगा तो लोग कम जो नानक बोलना ये मारू हुआ मेरा जन्म होगा तब भूखा मल चौहान। तो राजकीय मान सम्मान वहां मिलेगा। ये स्थिति जो ध्यान बोलना माइके बिच मारू हुआ जो तुरेगी तो वहां राजा की रानी देर को कहा जाएगा। तो फिर सारा सच्चा वृतांत गर्भ में ही वो सपने में ही माता पाछल को गुगा जाकर सचेत कर देते हैं। एक दिन रानी बाछल रंगले महले बैठ रही बेटा सर तो पुकार दी ते फिर हीरा बाजी ने जवाब कर दिए ते फिर भाई ओ रंगले महले बाछल बैठी बांदियां कर दी जवाब I am the one who is 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 the one who is
मारू देश की राणी राजा जैमल के घर वाली पाचल के गर्भ के एक बालक ने जन्म लेना पे तू जन्म दे सुधार ते फिर राजदाई बुलाई पे बड़ी पर बुद्धि अखियां ते अन्नी करना ते बोली कैसे जाना है मैंने मारू देश और बांदी बोले पे एक गल खोल ला पे राज घराने का फरमान है पे जी हाँ पे कितनी सजा हुई थी ओ राजदाई भी डरी डर गई राजदाई पर हीरा बांदी ने बोली कि कोई ऐसा कोई उपाय बता पे जतन बता हीरा बांदी बोलती पे गुरु गोरखनाथ के नाम का सुमिरन कर सच्ची जोत जगा पे और कुल देवी को मनाओ श्रद्धा रखेगा भगवान ते सारी गल सच्चे भाव से बाबा गोरख को याद करती है राजदाई और जालपा माता जो मनाई ने फिर चार घर बुलाई ने फिर से डोले भी जाई राजदाई ने ये एक अलग वृतांत है डोले वाला पर मारू देसा बिच दोनों जनिया रंगले महले आई दिया और चार चफेरिया राणी पाछला दी लेंदी ते चरने सीस लगाए क्या पर कहंदी औखी पारिए बणिए माता काहे नो कर लिया मैनु याद ते फिर राणी पाछल बोले ते मेरे गर्भ दे विचो बालक ने जन्म लेना पे जो जन्म के नियम है राजदाई उनको पूरा कर ते फिर राजदाई सतगुरुओं का ध्यान करके अपना कर्म करती है बोली बुआ जार पीर की ये सतगुर आया दाइए Oh, 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 oh
ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਖੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ ਜੋਤ।
ताई बोलती के तन तन माता तेरे बेटड़े नु कही मुड़ के देखा मैं दूजा दर्शन बूढ़ी माता नु दिता बूढ़ी ते बालक बनाई जिसमें रानी पाछल गुरु गोरखनाथ की के पुणे पर ज्योत जगाने लगी तो ब्रह्मा विष्णु जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा की नजर से रानी पाछल जो है वो बालक से बूढ़ी हो गई थी। और जब गुगा जाहर पेड़ का जन्म हुआ तो फिर जैसे ही माता को दर्शन दिए तो बूढ़ी से नौजवान हो गई बूढ़ी गुगा जाहर। मथे चंद तेरे ठोडिया तारा पद मरे का प्राण दिया सच्चे पैर अमृत वेला गुगा पीर जन्मया पैरों ने नाद बजाया ढोल लगाड़े तेरे मर हुए बजदे नारा ने मंगल गाया बोलिए गुगा जाहर पीर की बोली जगदी जगदी जोता वाली माता तेरी सदा खुशिया पहाड़ा वालड़ी माँ गुगा जहर पीर की तो घर घर गुगा जहर पीर की अलख भी जगाएंगे और कोरोना जैसी महामारी से लोगों को सचेत भी करेंगे। नियमों में रहें, मास्क लगाएं और हाथों की सफाई करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें।
रहा।